सो गाइस अभी बजे है 9:22 और हम निकल पड़े हैं अहमदनगर टू पुणे। सो अहमदनगर टू पुणे जहाँ पे मेरा होटल है इट इज़ समथिंग अप्रोक्सीमेटली 135 और मे बी 137 किलोमीटर्स। मुझे अंदर बता रहा था 135 और मैं जब मैप खोला नीचे आके पार्किंग लॉट में से तो 137 बताने लगा। एनीवेज सो हम निकल पड़े हैं अपने मोटो व्लॉग एपिसोड 4 की ओर। यहाँ पे ठंडी इतनी नहीं है अहमदनगर में बट यहाँ की होटल्स इट्स वे टू कॉस्टली लाइक यू नो लाइक पर नाइट यू हैव टू पे 1500 बक्स लाइक यू नो यूजुअली इतना कॉस्टली कभी हमको होटल्स गिरा नहीं। बट एनीवेज वैसे बड़े बड़े शहरों में भी आप जाओगे तो आपको जो है होटल्स जो मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली आपको डिसेंट मिल जाएगा 800-850 के अंदर इफ़ यू आर अ सोलो राइडर। ओके स्पीड ब्रेकर जैसे इंडिया के स्पीड ब्रेकर की हालत है वैसी ही अभी जो है इकोनॉमी की हालत चल रही है इंडिया की लाइक सब चीज़ कॉस्टली हो रही है और इनकम जो है वो स्लो डाउन हो गया है लोगों का। आई हैव सीन पीपल लाइक यू नो कि अभी तक वो जो लॉकडाउन का जो असर है वो उनके ऊपर दिखता ही है। यहाँ से पुणे जाएंगे और पुणे में मैं रहूँगा 2-3 दिन मेरे क्लाइंट्स है पुणे में। सो बेसिकली पुणे के अंदर मेरे बाइक का जो है अप्रोक्सीमेटली 600+ किलोमीटर हो गया होगा तो इसको मैं थोड़ा सर्विस सेंटर में दूंगा तो गाड़ी का अपन धुलवाएंगे और इसका गाड़ी का जो है लूप करवाएंगे। लूप मेरे को कुछ मिला नहीं ठीक ठाक बुरहानपुर में तो जो लोकल मिला वो ले लिया मैंने पर एक बजाज का पड़ा हुआ है मेरे पास तो हाउ इट वर्क्स आई डोंट नो बट इट शुड वर्क डिसेंट आई होप सो। वही करेंगे उसको जो है गाड़ी को थोड़ा साफ वाफ करवाएंगे गाड़ी को दिखा लेंगे नट बोल्ट और ये सब टाइट करवा लेंगे अपन बजाज में जाके। मैं बाइक बजाज शोरूम में ही दूंगा और मैं जो है मेरा बाइक बजाज शोरूम में ही देता हूँ उसका रीज़न है क्योंकि उनके हाथ में बाइक रहेगा तो जो भी करेंगे सोच समझ के ही करेंगे। बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि शोरूम पीपल दे चीट ये कितनी हद तक सही है आई डोंट नो एग्जैक्टली बट वो चीट क्या ही कर लेंगे आपसे थोड़ा 2 रुपये ज़्यादा ले लेंगे मतलब उससे ज़्यादा क्या ही चीट करेंगे सर्विस कॉस्ट आपसे जो है वो ज़्यादा ले लेंगे मगर जो है आपका बाइक का गारंटी उनके पास होता है जो भी आप काम करवाओ तो इसलिए मैं देता हूँ शोरूम में ताकि वो बराबर से अपनी जिम्मेदारी पे करके दे सके।
रहे हैं हाईवे पे गाइस। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट शोरूम, क्योंकि मैं पूरा के शोरूम में दूंगा मेरा गाड़ी। तो एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो जो स्कैम की संभावना है जो हो सकती है आपके साथ, वो उसकी बात करेंगे। सो बेसिकली एवरी बाइक हैज़ अ वारंटी, राइट? 2 साल 3 साल 5 साल, ओके? और बाइक का हर पार्ट जो है ना, उसके ऊपर वारंटी नहीं होता, सिलेक्टिव पार्ट्स पे वारंटी होता है, ओके? तो ये आपको ध्यान में थोड़ा रखना है। अभी प्रॉब्लम कहाँ होता है, मेरा बाइक खराब हुआ, ओके? मैं शोरूम में ले गया, अभी देखने वाली बात यह है कि मेरा बाइक जो है वारंटी में है, अंदर वारंटी पीरियड है। तो अगर उसमें कुछ खराब हुआ ऐसा जो वारंटी के अंदर आता है, ओके, तो फिर शोरूम वाले तो आपको बोलेंगे कि भाई हम इसको रिप्लेस करवा के आपको देंगे, आपको कोई पैसा देना नहीं है क्योंकि वो वारंटी में है। बट यहाँ पे एक पेच है, वो आपको बोलेंगे कि सिर्फ आपको जो है सर्विस चार्ज देना होगा। और यहाँ पे जो है ना, सर्विस सेंटर वाले शोरूम वाले कमाते हैं। क्यों? उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि ये लोग आपका एक लॉक डालते हैं उनके सॉफ्टवेयर में, जो कि जो है कंपनी को पता चलता है कि ये पार्ट खराब हुआ है और उसका रिप्लेस करना पड़ा है। अभी जो कंपनी है वो क्या करती है कि इनको पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल बहुत सी बार होता है, बहुत सी बार मंगवाना पड़ता है, तो अवेलेबल करवाती है, ओके? साथ में जो है इनको सर्विसिंग का भी पैसा मिलता है। तो यहाँ पे ये हो गया कि उसने कंपनी से तो पैसे लिया, सर्विस सेंटर वाला ने, शोरूम वाले ने, मगर आपसे को भी चार्ज ले लिया। तो ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका कौन सा पार्ट वारंटी में है, और जो पार्ट वारंटी में है और वो बदल रहा है तो उसका सर्विस चार्ज ना दे। तो ये एक स्कैम होता है। दूसरा ये होता है कि अभी फॉर एग्जांपल गाड़ी जो है मैंने ले लिया सेकंड हैंड, ओके, विथ अंडर वारंटी, ओके। सो बेसिकली गाड़ी का मेरा वारंटी है 5 साल, मैं उसको इस्तेमाल किया 2 साल। अभी 2 साल में मेरे दिमाग में आया टाइगर 900 और मैंने वो ले लिया, ओके। अभी मुझे ये गाड़ी बेचना है तो मैं क्या करूँगा, सामने वाली पार्टी को बोल के दूंगा कि भाई गाड़ी अंदर वारंटी है, ओके, और थोड़ा उसका एडवर्टीजमेंट करूँगा गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है, उससे मतलब नहीं है। मगर अभी आपके जो RC है उसके अंदर सेकंड ओनर आ गया, ओके, तो बहुत सी बार जो है वारंटी वॉइड हो जाती है इवन इफ इट इज अंडर वारंटी। सो आप जो है ना शोरूम में कॉल करके जो भी आप बाइक लेना चाह रहे हो, होंडा हो या बजाज हो या BMW हो या टायर हो, ट्राइम्फ हो, बेजली हो, ओके, कोई भी कंपनी हो, आप उसके शोरूम में फ़ोन करके जो है पूछ सकते हो कि सर ये सिचुएशन है और मैं सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहा हूँ विच इज़ इन अंडर वारंटी, तो उसका वारंटी मिलेगा, वारंटी वॉइड तो नहीं होगा। तो बहुत से सिनेरियो में क्या होता है कि वारंटी वॉइड होता है, और बहुत से सिनेरियो में बहुत सी कंपनी जो है वारंटी वॉइड नहीं करती। आपका कौन सा बाइक है वो आपको ही पता है और वो आपको ही कॉल करके इंफॉर्मेशन देना है। और
लिस्ट ये होता है कि आपके पास गाड़ी है वो क्या बोलते हैं वारंटी में नहीं है, ओके, और आप उसको ठीक करवाने शोरूम में ले जाते हो, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि जो है शोरूम का, अलग अलग शोरूम का जो है प्लान्स होता है, उनके पास एक बुक होती है जो मेंटेन करते हैं, आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है ईयरली, उसमें 3 से 4 अलग अलग सर्विस जो है डिपेंडिंग अपॉन योर प्लान, स्टार्टिंग की 4 to 5 सर्विसेज फ्री होती है, तो ये ज़रूर करवा ले। उससे ये होगा कि आपके जहन में ये नहीं रहेगा कि मैं सर्विस सेंटर जाऊँ या ना जाऊँ, और वो अप्रॉक्सीमेटली एवरी टाइम यू गो विदाउट दैट पर्टिकुलर प्लान विल कॉस्ट यू 200 to 300 एक्स्ट्रा बक्स। बहुत सी बार क्या होता है कि हम फुल स्पीड में निकलने की कोशिश करते हैं, मेरे पीछे 2-3 बंदे थे, उन्होंने जो है कट मार के वो निकले, ठीक है वो उनका चॉइस है, बट आप अपना संभल के चलिए, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। सो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट सर्विस सेंटर, ओके, तो आप जो है उनका प्लान ले सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको पता है कि ये पर्टिकुलर पार्ट, ओके, जो भी आपको चेंज करने का बोला गया है या जो भी आपको चेंज करना है वो कंपनी से अच्छा मार्केट में अवेलेबल है, जैसे ब्रेक्स हो गया, सिरामिक ब्रेक्स हो गया, इजी क्लच हो गया, ओके, सो ऑटो क्रूज हो गया, इजी क्रूज हो गया, अगर आपको ये पता है तो आप वो उसको एक्सटर्नली परचेस करके आपकी जो सर्विसिंग है जो कि फ्री वाली है, ओके, उसके अंदर आप उसको जो है या लगवा सकते हो अपने बाइक में, तो वो आपका काम जो है वो फ्री में हो जाएगा। अभी जिसके पास से आपने लिया है वो आपको कितना चार्ज करेगा कितना चार्ज नहीं करेगा वो नहीं पता, बट अगर आपके पास ऐसी सर्विस कुछ ली हुई है तो आप यहाँ पे जो है 100-150 रुपया बचा सकते हो। और ये बात मान के चलो सर कि ये आपको टिप हमेशा काम लगेगी, बिकॉज़ बाइक आपके साथ में है, और अगर वो हेवी बाइक है 350 cc प्लस है तो ये बात मान के चलो कि वो टूरिंग बाइक होगी, और आप उसको जो है यूजुअली 1-2 महीने में निकालते ही होंगे टूरिंग के लिए। मैं अभी मेरे होटल पहुंचने में हूँ, ओके, तो रास्ते में ट्रैफिक इतना जाम था, हालांकि मूविंग ट्रैफिक था, जैसे टिपिकल मुंबई वाला जाम ट्रैफिक नहीं था कि वो गाड़ी मूव ही नहीं हो रहा है। सो वो ट्रैफिक में से निकलते निकलते बहुत टाइम हो गया, लाइक क्रेजी। ओके, हम पहुंचने वाले हैं फाइनली, यू नो व्हाट, सीरियसली आई वांटेड टू कम टू पुणे और सोलापुर टू रीच बेंगलुरु, ओके, बट आई वाज नॉट एबल टू डू इट, क्योंकि क्या हो रहा था मेरे साथ, व्हेनेवर आई वाज प्लानिंग, ओके, कुछ ना कुछ तो बीच में आ जा रहा था, और फिर ये मान के चलो कि आप मैं निकल ही नहीं पा रहा था, तो वो चक्कर में जो है मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मुझे डायरेक्ट जाने में, तो
तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं थोड़ा लंबा रूट पकड़ के चलूं, ताकि जो है कम से कम घर से निकले तो सही। लाइक एक महीना हो गया, मैं जब भी निकलने की कोशिश कर रहा था कुछ ना कुछ किस ना कुछ एक दो दिन में प्रोग्राम आ जाए। फाइनली डिसाइडेड कि मैं निकलूँगा तो कोरोना का मैं टेस्ट करवाने गया तो उसमें पॉजिटिव डाल दिया मेरे को। अब असिम्प्टोमेटिक होगा तो उसमें पॉजिटिव आ गया, तो उसमें 7 दिन जो है मुझे क्वारंटीन होना पड़ा। मैं बोला ठीक है। उसके बाद भी आफ्टर क्वारंटीन ओके रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ गया। उसके बाद भी निकलने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं बहुत ही जो है कंफर्ट जोन में चला गया था। और आप एक बार कंफर्ट जोन में चले जाते हो तो फिर आपको जो है थोड़ा निकलना दिक्कत आता है। ओके सो एनीवेज वी विल सी वेयर मा ये रहा सामने मेरा होटल, होटल फैब एक्सप्रेस। ओके सो गाइस ये है मेरा होटल और ये उसका रिसेप्शनिस्ट है। क्या नाम है तुम्हारा? पवन। होटल तो अच्छा दिख रहा है। यूजुअली आई बुक फ्रॉम ट्रिवागो, सो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं, यू चूज वन एंड गो फॉर इट। जो बंदा है जो अपना लगेज लेगा वो अभी गया हुआ है बाहर, और ये है अपना लगेज। तो मिलते हैं रूम में फिर। सो गाइज ये है मेरा रूम जहाँ पे मैं रुका हूँ पुणे में। ये मेरा सामान जो ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, और हम वहाँ पे बैठेंगे और लैपटॉप पे काम करेंगे। लैपटॉप ये रहा और डेस्क वो रहा। सो गाइज ये वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले मोटो व्लॉग में। तब तक के लिए बाइकर मुस्तफा का आप सभी को सलाम बॉस।